जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। 4:47 PM, 29th अगस्त, और अगस्त सीरीज खत्म हो गई आज। महीना जरूर खत्म नहीं हुआ क्योंकि कल एक ट्रेडिंग डे बाकी है, मगर सीरीज खत्म हो गई, जान बची और लाखों पाए। देखिए ये आज का जो कैंडल बना है, दिस इज, आज हमने ओपनिंग किया 996, 11,021 वॉज द हाई। पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर लर्निंग पर्पज़। आप लोग जो मुझसे सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है मैं कुछ सिखा सकता हूँ, वो ही इस वीडियो को देखे, बाकी सब इसको अवॉइड कर ले प्लीज़। और बहुत कुछ आज मैं आपको इसमें और सिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी वो स्ट्रेटेजी आप लोग को सिखाई थी बैंक निफ्टी का कॉल पुट बाई करके, कल एक मेरे दोस्त ने निफ्टी में भी दोनों 11,000 का कॉल पुट दोनों लिया, 41 में मिला के आज उसने 73 में सेल किया, यानी एक ही दिन में उसका पैसा डबल हुआ। उसने दोनों लिया, आज उसको पता नहीं था एक्सपायरी कहाँ होगी। 41 उसकी कॉस्ट थी और उसका सेल हुआ 72 में, 73 में, तो लगभग डबल हुआ उसका पैसा विदाउट नोइंग द डायरेक्शन, यानी कि लेमैन की तरह। तो वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आपने सबने देख भी लिया होगा। लास्ट में तो आपको दिखाया मैंने कि एक ही साइड ने आपको 520 रुपये दे दिया, एक ही साइड ने, और दूसरी साइड तो फ्री की पड़ी 100 रुपये में। अब हो सकता अभी तो पूरा सितंबर महीना बाकी है, वो दूसरी साइड भी आपको 500 रुपये दे दे। तो ये इसका मैजिक है, वो करने का तरीका। तो हम लोग ज़बरदस्ती का ये बाई और ये सेल लेते, वो बात होगी पहली। अब आ जाइए दूसरी बात कि ये ट्रेडिंग के लिए कोई वीडियो नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए। सबसे पहले तो आज निफ्टी में क्या हुआ वो बता देता हूँ। 996 का ओपनिंग था, 11,021 का हाई बनाया और 922 का लो बनाया और 948 का क्लोजिंग किया। लगभग जहाँ लो बना वहीं पे क्लोज हुआ, लगभग ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि 922 का लो है और 948, जबकि हम कल की क्लोजिंग थी 11,046। तो आज हम लगभग 100 रुपये नीचे बंद हुए, 100 रुपये लगभग, 98 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये हो गया। ठीक है, अब आइए कि आज, और दूसरी बात ये देखिए, ये जो 20 EM है, मैंने आप लोग को समझाया था 20 EM है, 20 EM की वैल्यू है 11,043, 11,043। कल हम समहाउ वो 20 EM के ऊपर बंद हुए थे नेक टू नेक कल, लेकिन आज हमने डिसाइसिवली वापस इसके नीचे क्लोज कर दिया। देखिए 20 EM की कहानी बताता हूँ। ये पाँच, ये क्लोजिंग थी, ये लास्ट 4 जुलाई के बाद 20 EMA के ऊपर निफ्टी ने क्लोज नहीं किया डेली चार्ट में। ये डेली चार्ट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज डेली चार्ट, आपको समझा रहा हूँ सब। डेली चार्ट में 4 जुलाई के बाद निफ्टी ने सीधा जो फर्स्ट टाइम क्लोज किया 4 जुलाई के बाद 20 EMA, ये 20 EMA की लाइन है, दिस लाइन इज 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको क्या बोलते हैं, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है, सपोज हमको 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है, तो 10 दिन की हम निफ्टी की क्लोजिंग ले लेंगे, उन 10 दिन की क्लोजिंग को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगी। बट जब EMA निकलती है तो इट गिव्स मोर वेटेज टू द करेंट डाटाज, उसमें भी एवरेज तो निकलता है मगर वो वेटेज किसको देता है, करंट डायरेक्शन जो चल रहा है मार्केट, या करंट डाटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो जो ज़्यादा मेरा मानना है कि EMA देखना चाहिए ना कि SMA, SMA इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट EMA इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें करंट डाटाज ज़्यादा फैक्टर इन किए जाते हैं, प्लस करंट ट्रेंड इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे भी नहीं आता है, उसका बहुत लंबा चौड़ा है। तो अब आ जाइए इस पे, तो आज क्या हुआ, हमने ये 4 जुलाई के बाद फर्स्ट टाइम ये क्लोज किया था 20 EMA के ऊपर 26 अगस्त को, इस 26 तारीख को। उसके बाद 27 तारीख को भी उसने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, और कल भी भागते गिरते लेकिन इसने क्लोजिंग लगभग नेक टू नेक दिया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम वापस 20 EMA के नीचे आ गया, एक निगेटिव पॉइंट। लेकिन ये निगेटिव नहीं है क्योंकि जब तक हम 10,900 के नीचे क्लोज नहीं करें निगेटिव है ही नहीं, पहली बात। जो मैंने आज के गुड मॉर्निंग पोस्ट में भी, सॉरी
आज मैंने लिखा भी था कि सितंबर सीरीज़ के लिए आपको क्या देखना है, 890 के नीचे की क्लोजिंग आए तब खराब है, और अगर ऐसे देखो तो आप इसके नीचे की क्लोजिंग खराब होती है। किसकी? ये लेवल 10820, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो मार्केट रियल में खराब होती है। इसके नीचे तो ये हो गया एक पॉइंट, यानी कि अगर आप मानो तो 10820 आ रहा है ये, लेकिन अगर आप इसको, इस लाइन को मैं वापस हटा देता हूँ, एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। लाइन आपको समझ में आ गया क्यों लाइन टाना मैंने? ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था एक जगह, ये लोस थे, दो बार लो बने थे इस रीजन में, दो बार लो बने थे बहुत टाइम पहले, 6 महीने के पहले। तो जो लो रहते हैं वो एक तरह से सपोर्ट का काम करते हैं। ये एग्जैक्ट फिगर ही बताता हूँ, ये लो बना था 5 मार्च 2019 को, 10817 आपका बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा सितंबर सीरीज में। 10817 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, क्लोजिंग नॉट इंट्राडे। 10817 पे हम लोग एक सपोर्ट मान सकते हैं। दूसरा, इसमें दो तरीके के ट्रेंड बन रहे हैं, एक तो अगर आप ऐसे बना लो, ऐसे, एक तो ये तरीका है, तो ये यहां तक आएगा और इनवर्स ऐसे बन जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक तरीका है। लेकिन ये इतना वायबल नहीं है क्योंकि ये हेड, ये सिरा और ये सिरा में काफ़ी फ़र्क लग रहा है, प्लस इसका मतलब मार्केट और कल गिरना चाहिए इसके हिसाब से, तो और कल गिरना भी चाहिए और कल 800 के तरफ आना भी चाहिए। ये एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न समझते हो ना, हेड एंड शोल्डर किसको बोलते हैं आपको समझाता हूँ। अगर ऐसा पैटर्न बनता है, कैंडल ऐसे बनती है, सिर्फ लर्निंग सीखिए आप लोग, ऐसा कभी भी आपको कहीं पे ऐसा देखिए, ऐसा कैंडल स्टिक का अगर पैटर्न ऐसा रहता है डेली चार्ट में या आवर्ली चार्ट में जहाँ पे भी, तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, और इन्वर्स का मतलब हो गया उल्टा, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, ये वापस शोल्डर। तो ये एक्सपेक्टेड मूव एक लग रहा है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ये लग रहा है कि कल क्योंकि निफ्टी को 11,000 के ऊपर क्लोज करना है, तो कल नीचे आने का चांस तो कम लग रहा है ना, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमारी तभी कंफर्मेशन होगा कि वो वीकली ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी डाला था। तो कल हमको 11,000 के ऊपर क्लोजिंग किए, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, 948 आज क्लोज किए हमने आज 948 क्लोज किया, तो अगर 50 पॉइंट भी बढ़ के क्लोज होता है तो 11,000 के ऊपर आ जाती है। तो एक और मैंने आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड मूव दिखा रहा हूँ। तो अब ये कैंडल देखिए, मैं एक कल के लिए एक कैंडल बनाया हूँ, तो ये कैंडल, अरे ये कैंडल तो है नहीं आज, कैंडल तो ये है एक्चुअली आज की, है ना, ये वाली, ऐसी कल बुलिश कैंडल भी बन सकती है, बन सकती है, नॉट बनेगी। क्यों बन सकती है दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसी एक बियरिश कैंडल आई थी, कौन सी तारीख को आई थी ये, चलिए निकाल लेते हैं, ये वाला एक एक्सपेक्टेड मूव है, तब तो 820 आना पड़ेगा एक बार निफ्टी को, 800 के लेवल के आसपास आना पड़ेगा ये एक। लेकिन दूसरा जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखिए, ये एक बियरिश कैंडल बनी थी 13 तारीख को, 13 अगस्त को, याद आया होगा आपको, बहुत भारी गिरावट आई थी, निफ्टी 1.65% गिरा था, यानी कि प्रीवियस डे का क्लोज था उसका 11,109 और अगले दिन सीधा क्लोज किया 10,925, यानी कि 200 पॉइंट का करेक्शन दिया था उसने, 185 पॉइंट का। तो कल 185 पॉइंट अगर बढ़ता है तो अगर आज का 10, बस ये एक्सपेक्टेशन है, नॉट 948 प्लस 185, तो हम 11133 के तरफ जाते हैं, कितना जाते हैं 11133 के तरफ। तो मैंने इसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड मूव बनाया कल के लिए, ये कैंडल मैंने ड्रॉ किया है वाइट कैंडल कल के लिए। तो ये अगर 200 पॉइंट की कैंडल बनती है तो ये एक परफेक्ट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है। देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये डेली चार्ट पे ये कैंडल है,
ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये शोल्डर यहाँ तक तो बन गया अभी। और कल की अगर कैंडल ये बन जाती है तो ऐसे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। मगर ये भी एक प्रोबेबिलिटी है जो मैंने बताया था, ये शोल्डर मान लो और इसको हेड मान लो, तो यहाँ तक आना पड़ेगा तब, तो 800 तक तब ये ऐसे बनेगा। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपने समझ लिया होगा। तो ये एक डेली चार्ट में दिख रहा है, तो कल या तो एक बहुत बुलिश बड़ी कैंडल आ सकती है ऐसा लगता है, लेकिन आज तो अच्छा खासा 100 पॉइंट हम डाउन बंद हुए 98, तो ऐसा सोचना तो गलत है। लेकिन कल फ्राइडे भी है। दूसरा, कल इस महीने का अंत है ट्रेडिंग डेज का, एक्सपायरी आज हुई है लेकिन मंथली क्लोजिंग कल आएगी, मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग भी कल आएगी, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग बोलते हैं और लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ की क्लोजिंग को मंथली क्लोजिंग बोलते हैं, तो वो कल आएगी। और ये अगस्त महीना अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाए तो अगस्त मतलब मंथ नंबर 8, यानी कि अगर न्यूमरोलॉजी में 8 होता है शनि का नंबर, तो शनि का एक नियम है, शनि की 7.5 जिसमें भी आती है वो 7.5 साल बंदे को बहुत परेशान तो करती है, जिसके लिए शनि अच्छा नहीं है कुंडली में उसको बहुत परेशान करती है, लेकिन जाते जाते अगर वो अपने टेस्ट में पास हो जाए तो जाते जाते उसको बहुत कुछ देके जाती है वाइल गोइंग अवे। 2.5 साल का 3 फेज होता है 7.5 में, तो तीसरा फेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है, लेकिन उसका जो लास्ट पार्ट रहता है, जो लास्ट का पार्ट रहता है तीसरे फेज का, अगर उसने वो 5 साल या 6 साल संयम रखा है बंदे ने, तो उसको बहुत कुछ देके जाता है शनि वाइल गोइंग, क्योंकि वो टेस्ट में पास हुआ। तो अभी हम अगर निफ्टी को देखें तो ये अगस्त मंथ हमारा और एक शनि का जैसे काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम परेशान थे 2 महीने से, देखिए यहाँ से हम परेशान थे, ये जुलाई से, जुलाई एक बुरा महीना गया, यानी कि 2.5 साल के 2 फेज हो गए अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी शनि के से काउंट करें। ये 2.5 साल आए यानी कि जुलाई आया, ये 2.5 साल आए यानी कि अगस्त, और ये 2.5 साल भी जून, ठीक है, जून का हम, जून क्योंकि सर पे था, पहला जो फेज आता है 7.5 का वो सर पे आता है। ये पीजे की स्टाइल की एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ी अलग है, ठीक है, पहला जो फेज आता है वो 2.5 साल का वो सर पे आता है, दूसरा फेज शनि का 2.5 साल का आता है पेट पे, और तीसरा फेज आता है पैरों पे, लेग्स पे। तो पहला फेज था जून में, तो जून में महीना लगभग डोजी बना, सॉरी ये कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मंथली चार्ट देखना, सॉरी मंथली में आना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मंथली, हाँ ये देखिए जून में लगभग एक डोजी जैसा कैंडलस्टिक बना जून में, जुलाई में हमारी वाट लगा दी, और अगस्त में ये जाने वाला महीना है, तो ये भी एक, ये 2.5 साल हो गए माथे पे आया, क्योंकि यहाँ टॉप पे हम ऑलरेडी चल रहे थे मई में, और जून में टॉप तो बनाया लेकिन वहाँ से नीचे ही है, और जुलाई में पेट में मतलब हमारे पेट पे लात मार दिया, और अभी जाते जाते हमको बहुत कष्ट दे रहा है इस महीने में। लेकिन कल का दिन जो लास्ट डे है, तो हो सकता है अगर हम टेस्ट में पास हो जाएं तो कल बहुत बड़ी सौगात देके जाएगा शनि, यानी कि अगस्त महीना का कल लास्ट डेट, तो कल ऐसा हो सकता है कि कल सीधा 200 पॉइंट का मूव दिखा दे। ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं समझाना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। तो कल ऐसा हो सकता है कि कल हम 200 पॉइंट की मूवमेंट देखें। और दूसरा एक कारण है कि वीकली चार्ट पे हम जाते हैं, तो वीकली ट्रेंड लाइन आप लोगों को बहुत बार बता चुका, फिर से बता रहा हूँ, वीकली ट्रेंड लाइन कल पूरी होगी, ये 3 साल का मैंने पीरियड किया इसमें और वीकली कर दिया, ठीक है। तो वीकली एक वीक हमने क्लोज कर दिया नीचे, कौन सा, ये जो 19/8 का वीक था, मंडे 19/8 था जिस वीक का, यानी कि पिछला वीक का फ्राइडे क्या था, 23/8 का जो क्लोजिंग था, 23/8 को निफ्टी ने 10,829 क्लोज किया था, कितना क्लोज किया था, तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ। ट्रेंड लाइन कैसे बनी, सपोर्ट मैंने आपको 2-3 बार दिखा दिया, अभी भी दिखा देता हूँ,
यहाँ टच किया मैंने और इस लो को फिर से टच किया, ये 3 साल की है, देखिए 3 साल की ट्रेंड लाइन है। ये 3 साल की ट्रेंड लाइन है, आपको दिख जाएगा नीचे। देखिए मैं 2016 से ये डाटा ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, 2016 से, सितंबर 2016 से लेकर अभी तक का। तो 3 साल में अब अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, ये निफ्टी हमेशा ऊपर ही वीकली रहा है, इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे छुआ लेकिन यहाँ पे भी एक भी क्लोजिंग नहीं दिया, खाली जो लास्ट वीक थी वो एक कैंडल नीचे क्लोज की है। और इस वीक में अभी तक हम नीचे हैं, अगर कल हम 11,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि वीकली क्लोजिंग कल आएगी नॉट आज, तो कल अगर 11,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये कैंडल परफेक्ट बन जाती है। और अगर कल 11,160 या 140 के ऊपर आसपास क्लोज होता है तो ये हैमर भी बन जाएगा, ये वीकली हैमर बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो अब आपको दिखाई देगा। थोड़ा जूम किया मैंने ताकि आपको दिखाई दे मैंने हैमर क्यों बना रहा हूँ वीकली में। ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा कैंडल बन सकता है कल, अभी कैंडल क्या है एक स्पिनिंग टॉप जैसा बन रहा है अभी तो। कल अगर ऐसी क्लोजिंग आ जाए ऊपर, मार्केट ऐसा ऊपर जूम हो जाए तो कल ये हैमर बन जाएगा, ये पैटर्न ऐसा बन सकता है ये कैंडल, ये वीकली तो हैमर बन गया। और एक डाउन ट्रेंड में हैमर बनना मतलब ये साइन ऑफ बुलिश रैली स्टार्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वीकली कैंडल्स देखिए कंटिन्यू रेड कैंडल्स आ रही है, रेड कैंडल्स आ रही है, एक बीच में एक वाइट कैंडल आई, फिर से ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, और इस वीक की अभी तक तो ये रेड ही है, अभी तक तो ये रेड ही है। इसको फिर से दिखा देता हूँ आपको, इस वीक वाले को अभी तक ये वीक की कैंडल कैसी बन रही है आपको दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखिए आज सीखने के लिए मैं ये सीखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीखो, जो जो ट्रेनिंग लिए ये सब भी चीज़ सीखने लायक होती है, खाली ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं बता सकते। ये देखिए स्पिनिंग टॉप जैसा बन रहा है ये कैंडल, तो ये बोलता है कल या तो इस एंड पर भी क्लोज हो जाए, इसके जो हायर एंड है इसकी जो ओपनिंग है वहीं क्लोज हो जाए, इसकी ओपनिंग थी 11,000 की ओपनिंग है, तो कल क्लोजिंग भी अगर 11,002 या 3 हो जाए तो ये स्पिनिंग टॉप ही रह जाएगी ये कैंडल। क्योंकि इस वीक की अभी तक की ओपनिंग कितनी है, मंडे की ओपनिंग कितनी थी 11,030, दिख रहा है आपको ऊपर दिख रहा होगा 11,030 था ओपनिंग इस वीक का, हाई इस वीक का बना है 11,141 और इस वीक का लो है 756 और इस वीक का अभी तक का क्लोज है, आज का क्लोज है 948, लेकिन ये क्लोज काम नहीं आएगा क्योंकि कल की क्लोजिंग ही मेन होती है वीकली क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग को ही वीकली क्लोजिंग बोलते हैं। तो कल की क्लोजिंग अगर 11,000 आ जाए तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो जाएगी तो ये डोजी बन जाएगा, तो भी अपने आप में एक रिवर्सल पैटर्न है। कल अगर हम 11,001 या 2 क्लोज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंडल इसमें किस में तब्दील हो जाएगा, डोजी में, वीकली कैंडल ये डोजी में तब्दील हो जाएगा, ये संभावनाएँ बता रहा हूँ। और अगर कल 11,140 बन जाता है तो ये एक बुलिश हैमर में कन्वर्ट हो जाएगा, 140 की कल क्लोज आ जाती है तो क्या बन जाएगा, ये बुलिश हैमर। तो 11,000 और कल अगर ये 10,750 के आसपास क्लोज करता है या 760 के आसपास क्लोज करता है तो ये बन जाएगा इनवर्स हैमर है ना। मुझे तो लग रहा है कल स्पिनिंग टॉप ही रह जाएगा, 11,005 की क्लोजिंग आ जाएगी कल। और दूसरी संभावना है कि एक बुलिश कैंडल बने तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, फिर ये एक हैमर बन जाएगा। कैसे हैमर बन जाएगा, ड्रॉ कर देता हूँ
अभी तो स्पिनिंग टॉप ही बना हुआ है, लेकिन कल अगर क्लोजिंग ये 11,005 हो जाए तो स्पिनिंग टॉप ही रह जाएगा, क्योंकि इस वीक की ओपनिंग भी 11,000 ही है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। छोटा करते तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा। अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं तो कल अगर क्लोजिंग यहाँ आती है 11,000 पे, तो ये जहाँ ओपन हुआ, क्योंकि ओपनिंग भी यहीं हुई थी, तो यहीं क्लोज हो जाएगा कल। तो ये फिर ये डोजी बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा डोजी, ये क्योर डोजी बन जाएगा। फिर ओपनिंग और कैंडल रहेगी नहीं इसमें, ठीक है। और अभी क्या है इसमें, अभी ऑलरेडी ये स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि आज हम क्लोज किए 948 पे, ठीक है, और ओपनिंग थी 11,000। तो इसको डोजी नहीं बोलते, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो स्पिनिंग टॉप भी ये परफेक्ट बन सकता है कल, अगर 11,000 पे ही बन जाए क्लोजिंग, है ना, डोजी बन सकता है। और ये हैमर बन सकता है इस केस में, जब अगर कल की क्लोजिंग यहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कल की क्लोजिंग अगर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बॉस, आप लोग को समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ये वीडियो। कल की क्लोजिंग अगर यहाँ आ जाए तो 11,160-70 के आसपास, तो ये एक परफेक्ट हैमर बन जाएगा, क्योंकि ओपनिंग ये थी, तो ये ओपनिंग के हिसाब से 11,000 ऐसा बन जाएगा कैंडल। आपको थोड़ा यहाँ डिटेल में समझाता हूँ, ऐसी कैंडल बन जाएगी। ऐसी कैंडल बन जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश हैमर। जैसा ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल ऐसी, तो ऐसी कैंडल कब बनती है, डाउन ट्रेंड में ऐसी बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये भी बन सकती है कल मंथली वीकली में, तो ये भी वीकली एक साइन होगी। या फिर डोजी बन सकती है, डोजी कैसी बनती है, ऐसी जिसमें कोई कैंडल रहती नहीं है, ऐसी। ये हाई होता है डोजी का, कैंडल का ये लो होता है, ये जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ, इसलिए कैंडल बनी नहीं। ये हुआ ओपनिंग 11,000, कल अगर ऐसी बनती है तो ये 11,000 ओपनिंग थी, 11,000, ठीक है। लो बनाया 756 ये वाला, और अगर कल हाई बनता है 180 का या 160 का और उसके आसपास ही क्लोज होता तो ये हैमर बन जाएगा। तो ये समझाना था मेरा। अब आ जाते हैं कुछ, एक और मैंने स्टडी किया आज, तो वो भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ लगे नहीं कि कुछ छूट गया यार, पीजे ने कुछ बताया नहीं, ठीक है। तो ये मैं इसको चार्ट को फिर से नॉर्मल कर देता हूँ 110% पे, ठीक है। तो अब आपको मैं इसको मंथली चार्ट बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, मंथली, कितने साल का, 8 ईयर्स का मंथली, एक कैंडल एक मंथ की हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक कुछ समझाना चाहता हूँ, मंथली, तो ये एक एक कैंडल एक मंथ की, इस मंथ की ये कैंडल अभी तक, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए, ये BCA में इसका मंथली कैंडल का 10,925 आ रहा, आज भी हम उसके ऊपर ही बंद हुए, क्योंकि 948 पे हम क्लोज हुए। तो अभी तक तो ये BCA में की जो लाइन दिख रही है मंथली में अभी तक टूटी नहीं है। देखिए यहाँ टूटी थी पहले फरवरी महीने में दो बार, जनवरी में टूटी थी 2016 में, उसके नीचे क्लोज आया था जनवरी में, और फरवरी 2016 में भी क्लोज आया था, और मार्च 2016 में भी किस एंड गो वाला मामला था। उसके बाद आप देखो, एक भी क्लोजिंग मार्च 2016 के बाद एक भी क्लोजिंग आज तक 20 EMA मंथली EMA के नीचे नहीं आई निफ्टी में, मार्च 2016 के बाद आज तक एक बार भी 20 EMA मंथली EMA के नीचे
निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आई है और इस बार आने की चांस है, तब अगर हम 10,925 के नीचे कल क्लोज रहते, ठीक है, तब आ सकती है, वरना ये भी बच गया। समझ में आया आप लोग को, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आ जाइए कि हर बार आप देखिए सितंबर महीना हमेशा वीक रहता है, पिछले कई साल की मैंने हिस्ट्री देखी है 7-8 साल में, तो हर बार सितंबर महीना वीक रहता है। देखिए एग्जांपल देता हूँ, पिछला सितंबर 2018 का जो सितंबर था वो निकालते हैं, ये देखिए 2018 के सितंबर में निफ्टी 6.5% गिरा, कितना गिरा, 6.5% गिरा फ्रॉम जुलाई मंथ का गैप से 2018 में। सितंबर में कितना गिरा निफ्टी, अगस्त में जितना था 11,760 का हाई था अगस्त का, और क्लोज भी थी 11,680, और सितंबर में क्या हो गया 930 पे क्लोज हो गया, 10,930 पे 6.5% फॉल हुआ 18 में, सितंबर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अब 17 पे चल जाते हैं हम, 17 का सितंबर में क्या हुआ, 1.5% का फॉल आया, 1.3% फॉल आया, 18 में 6.5% का फॉल आया, 17 में 1.3% का फॉल आया, और 16 में क्या हुआ देखते हैं, 16 में भी 1.99% का फॉल आया, ये 16 का। अब 15 में आते हैं हम, 15 में क्या हुआ, 0.028%, मतलब नहीं के बराबर कुछ, ना फॉल आया ना राइज आई, 0.2% तो कुछ भी नहीं होता, नहीं के बराबर समझ लीजिए, ठीक है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हुआ, लेकिन माइनस में ही बंद हुआ लेकिन, ठीक है, 0.28% मंथली के हिसाब से माइनस हुआ, ये हो गया 15। अब 14 पे आते हैं हम, जहाँ मोदी जी ने ज्वाइन किया था, तो 14 में एक डोजी बना था, आप देखिए मंथली में, उसके बाद तेज़ी आ गई, देखिए आप ये डोजी बना तेज़ी, तो 14 में क्या हुआ, पॉजिटिव था 0.13%, यानी कि फ्लैट था या पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि 14 का जुलाई की क्लोजिंग थी 7954 और अगस्त की क्लोजिंग थी 7954 और सितंबर की क्लोजिंग हुई 7964, यानी कि 10 पॉइंट खाली बढ़ के बंद हुआ एक महीने में 14 में। और 13 में आप देखिए, 13 का अगस्त ही है, सितंबर ही है सॉरी, 13 का सितंबर महीना 4.82% राइज हुआ, कितना राइज हुआ 4.82%। तो कन्विंसिंगली हम बोल सकते हैं 13 का ही डाटा हमारे लिए सफिशियंट है, कि अगर हम भूल सकते हैं तो हमको क्या देखना चाहिए 13, और क्यों देखना चाहिए 13 मैं बता रहा हूँ। 13 का अगस्त महीना देखिए आप लोग, 4.71% डाउन था, 4.71% डाउन था, लेकिन 13 का सितंबर महीना 4.82% राइज हो गया, यानी कि जुलाई पे जहाँ क्लोज हुए वहाँ पहुँचा दिया, जुलाई पे क्लोज थे 5742 और सितंबर में भी 5735 का क्लोज हुआ, तो लगभग जुलाई की क्लोजिंग पे पहुँचा दिया। तो अब इस बार की जुलाई की क्लोजिंग क्या है, 11,118, तो सितंबर में तो 11,118 थोड़ी आएगा, हमको लगता है कि जून की क्लोजिंग में पहुँचा देगा, जून की क्लोजिंग थी 7,680। अब इसमें एक पैटर्न देखिए, मई महीना में टॉप में था ये निफ्टी, 13 का दिखा रहा हूँ, 13 का मई महीना में निफ्टी क्लोजिंग थी 5,985, मई महीना में 5,985 की क्लोजिंग थी 2013 में, जून महीना में गिर के बंद हुआ 2.5%, 5,842 पे आ गया, जुलाई महीना में और 1.5-2% गिरा 5,742 पे, अगस्त महीना में और 4.5% गिरा 5,471, लेकिन सितंबर में 5% बढ़ गई। तो अभी भी आप देखिए मई महीना में हमारा वाइट क्लोजिंग है, जून में रेड, जुलाई में रेड और अगस्त में भी रेड ही रहेगी, क्योंकि अगस्त की क्लोजिंग अगर जुलाई की जो क्लोज थी 11,118 के नीचे आती है तो रेड ही हो गई, है ना, तो 11,000 के ऊपर भी क्लोज आई तो भी ये रेड ही क्लोजिंग आएगी अगस्त की, है ना, खाली अगर हम 11,118 के ऊपर क्लोज करते हैं तो वाइट क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक कारण है। अब इसमें देखिए, इसमें भी मई में हम लोग अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन जून जुलाई अगस्त गिरे और सितंबर से फिर से रिवर्सल चालू हो गया,
सितंबर बढ़ना चालू हुआ, अगर अक्टूबर में और बढ़ा उसके बाद देखिए कितना बड़ा मार्केट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जून जुलाई अगस्त, अब सितंबर में एक 4.5-5% का उछाल आ जाए, लेकिन कल की क्लोजिंग से काउंट होगा। कल जो भी निफ्टी क्लोज होगा वहाँ से आप सितंबर गिनेंगे, क्योंकि कल की क्लोजिंग को अगस्त की मंथली क्लोजिंग बोलते हैं। तो ये मेरा व्यू था दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मैंने कोशिश की है कुछ भी ट्रेडिंग व्यू नहीं दिया, समझाने की कोशिश की है जहाँ तक आता है मुझे नॉलेज। अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक लाइक दबा दीजिएगा, और नहीं आए तो डिसलाइक। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आप सबको, आप सबका दिन कल का शुभ हो, और आने वाला महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा जाए, स्पेशली बुल्स के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, गणपति से, और जिनेंद्र भगवान से।